हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर। और ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रूप में हैं, एक तरह से आपके एमपीजीके के मॉक टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग अभी तक 17 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 18वां टेस्ट है। कौन सा? 18वां। तो इससे पहले हम लोगों ने, आपको पता हुई होगा कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पूरा कवर किया हुआ था, और अगर पहले आप लोग उसे देख लें तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपका एक बेस बन जाएगा। ठीक है, मजबूत हो जाएगा। उसके बाद अगर मॉक टेस्ट लगाएं तो आपको फायदा भी होगा। तो करीब 17 घंटे की क्लास है ये, और ये आपकी 17 घंटे की क्लास जो है, ये सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है। ठीक है, पूरा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर है, पूरा मध्य प्रदेश एमपीपीएससी लेवल का। तो आप वहाँ से देख लें, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो चलिए, क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं पहले के। सितंबर 2012 में रायसेन में सांची विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, जिसमें कुछ विदेशी मेहमानों ने भी सिकरत यानी कि शामिल हुए थे। वे निम्न कौन कौन से थे इनमें? आपके चीन, श्रीलंका के राष्ट्रपति थे इसमें, और भूटान के राष्ट्र प्रधानमंत्री शामिल थे। तो याद रखना, श्रीलंका के राष्ट्रपति और भूटान के प्रधानमंत्री, ये आपके अपने पड़ोसी देश हैं दोनों। ठीक है, तो इसमें आपका ए होगा। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर एक में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है आपका क्वेश्चन दूसरा। क्या है दूसरा? संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ है? संगीत एवं कला विश्वविद्यालय आपका ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में। तो क्वेश्चन नंबर दो में आपका बी होगा। तीसरा, मध्य प्रदेश में राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? ये आपका भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। क्वेश्चन नंबर तीन में आपका ए होगा। क्वेश्चन है आपका चार, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज आपका इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में। क्वेश्चन नंबर चार में आपका सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ। क्या है क्वेश्चन पांच हमारा? मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के संबंध में असत्य कथन को छांटना है, या हमें असत्य कथन देखना है। सागर में एक विश्वविद्यालय सही है। सागर विश्वविद्यालय में 1946 में स्थापित किया गया, ये सही है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इंदौर में, ये आपका गलत है। क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन होगा। अब आप ही सोचिए, अगर आपको उन्हें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को डिटेल से नहीं पढ़ा है तो कहाँ आप सॉल्व करें आएंगे क्वेश्चंस? तो आप पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप लोग टेस्ट लगाइए। और अभी कल ही न्यूज में पढ़ रहा था कि आपके जो भी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, उन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश में बहुत जगहें खाली हैं, और जैसे ही आपका कोरोना हटता है तो आपकी जगहें चालू हो जाएंगी भरनी। ठीक, तो तैयारी करते रहिएगा और इंतज़ार में मत बैठिएगा किसी के। कोरोना जैसे ही ख़त्म होगा लॉकडाउन, आपकी बड़े स्तर पर नौकरी आना चालू हो जाएंगी। क्वेश्चन हमारा छठवा, संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इसकी 2008 में। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका क्या होगा? डी सात, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय आपका गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में है। सात में आपका ए है। सात में ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन है आपका 8। मध्य प्रदेश का पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये आपका जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपका जबलपुर में है। क्वेश्चन है आपका 9। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब लागू की गई? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब लागू की गई? तो ये आपकी वर्ष 2005 में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, सॉरी 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 क्या है हमारा? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय नहीं है? कृषि महाविद्यालय नहीं है। इंदौर में है आपका, सीहोर में है, खंडवा में है, लेकिन भोपाल में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बी होगा। 10 में क्या होगा? बी। क्वेश्चन है 11। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये आपका भोपाल में। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अधिकतर लोग गलत भी कर बैठते हैं। क्यों गलत क्यों कर बैठते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध कहाँ से रहा है? ग्वालियर से। तो अधिकतर लोग ग्वालियर लगा के आते हैं। एक बार तो मैं किसी एग्जाम की तैयारी पेपर दे रहा था, शायद PCS या किसी और स्टेट का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था पता है, और मैं भी गलत कर बैठा था। उस समय मैंने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को अच्छे से नहीं जाना था। तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी भोपाल में है विश्वविद्यालय, ठीक है। 11 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है आपका 12। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रम जो विश्वविद्यालय आपका, ये आपका उज्जैन में है। 12 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है आपका 13। मध्य प्रदेश का कौन सा विद्यालय विश्वविद्यालय यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है? मध्य प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है? तो ये आपका राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। 13 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 14। मध्य प्रदेश का शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? तो ये आपका इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश का शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय आपका इंदौर में है, ठीक है। 14 में आपका क्या होगा? 14 में बी। क्वेश्चन है हमारा 15। क्या है क्वेश्चन 15? निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। कांचीवरम में भारतीय सूचना संस्थान प्रस्तावित है, सही है। UNDP और विश्व बैंक दोनों ने शिक्षा गारंटी योजना को विकास का कामयाब अंतर्राष्ट्रीय मॉडल माना है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन का अनुपात निरंतर घट रहा है, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका एक कथन सही है, दो कथन भी सही है, तीसरा लेकिन गलत है। तो इसमें पूछा क्या है? सही कथन। तो इसमें आपका होगा ए ऑप्शन सही। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी सिविल सर्विस में अधिकतर पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन इसी तरह के रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखा करिए इस तरह के क्वेश्चंस में, कि इस पॉइंट को आप लोग एक से दो बार पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ सही नहीं है लिखा जाता है कई जगह कई बार, तो हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। 15 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा 16। क्वेश्चन क्या है? 16। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है। नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ में है आपका। सामाजिक शोध संस्थान उज्जैन में है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता
संस्थान भोपाल में है, हिंदी ग्रंथ अकादमी ये भी आपका भोपाल में है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा। 16 में क्या होगा? सी। आप ही सोचिए, अगर आप लोग को पता ना हो चारों ऑप्शन की कहाँ कौन संस्थान है, तो आप गलत कर बैठेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस तो आप 100% गलत कर बैठेंगे अगर आप लोगों ने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को नहीं पढ़ा है। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को, कहीं से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी तरफ से जो उपलब्ध कराया गया मटेरियल वही पढ़िए, अरे भाई कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ जरूर लीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या देखना है? सही नहीं है यानी कि गलत है। मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता के समान है, यह आपका गलत है। प्रदेश में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना 4 जनवरी 1994 को की गई थी, सही है। मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी 1997 को लागू की हुई, यह भी सही है। मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने के लिए शंखनाद योजना प्रारंभ की गई, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या होगा? ए होगा, ए गलत होगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 18, क्या है क्वेश्चन? गांव की बेटी योजना, कौन सी गांव की बेटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह योजना 1 जनवरी 2007 के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए है, गलत है। यह योजना 2005 से प्रारंभ हुई, सही है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8वीं में प्रवेश लेने के पश्चात आगामी 2 वर्ष के लिए 400 रुपये प्रति माह का भुगतान बालिका को किया जाएगा, ये भी आपका गलत है। तो केवल क्वेश्चन 18 में केवल 2 कथन सही है, इसमें आपका सही कथन पूछा है, तो इसमें आपका सी होगा, केवल 2। क्या होगा? केवल 2 कथन सही होगा। फिर आपका 19, क्वेश्चन 19, निम्न कथनों पर विचार करना है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 1 अगस्त 2003 से प्रारंभ की गई थी, सही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को शामिल नहीं किया गया, गलत है। एकल बालिका योजना वर्ष 2006 में लागू की गई, ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन है हमारा 22, क्वेश्चन क्या है? 22, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, क्या करना है? विचार करना है। तो 20 में क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु 3,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है, गलत है। क्या है? गलत है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत युद्ध में मारे गए सैनिक परिवारों के बच्चों को शैक्षिक विकास के लिए सहायता करना, जिसके द्वारा 4,000 बच्चों को प्रतिवर्ष मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ये भी गलत है। इसमें क्या पूछा? सही कथन पूछा था, तो ना तो इसमें एक सही है ना ही दो। 20 में आपका डी होगा, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा? डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है। विक्रम विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? उज्जैन में है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? रीवा में है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? यह आपका ग्वालियर में है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन है आपका 21 सॉरी 22। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश में कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जबलपुर और रीवा में है, गलत है। मानसिक चिकित्सालय इंदौर ग्वालियर में है, सही है। राज्य का एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज इंदौर में है। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जबलपुर में प्रस्तावित है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ए होगा, 22 में क्या होगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राज्य में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य परस्पर हितों के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों के उद्योगों से लिंकेज को सुदृढ़ करना। तकनीकी सही है कथन, ठीक है, क्या है सही है। तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अन्य विभागों के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन के लिए प्रयास करना, ये भी आपका कथन सही है। इसमें पूछ भी रहा है सही कथन, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका सी होगा, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है आपका 24। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो याद रखना महू में है, 24 में आपका बी है। 25 क्वेश्चन है आपका 25। मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई? 1968 में। 25 में आपका डी, 25 में क्या है डी। 26 मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहली पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर में, कहाँ है इंदौर में। 27 लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? ये आपका ग्वालियर में है, 27 में आपका डी होगा, 27 में क्या होगा डी। 28 माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ है? भोपाल में, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय आपका भोपाल में है, याद रखिए। उनतीस महिलाओं के लिए एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है आपका कहाँ है? ये आपका ग्वालियर में है, 29 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 30 क्या है? मध्य प्रदेश में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ है? उज्जैन में है, 30 में आपका डी होगा, 30 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 31 बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो पहली भी बात कर चुके हैं भोपाल में, 31 में आपका डी। क्वेश्चन है हमारा 32 मध्य प्रदेश के किस शहर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है? ये आपका ग्वालियर में है, 32 में आपका बी, 32 में क्या है बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 33 क्या है? क्वेश्चन है हमारा 33 ग्वालियर में माधव संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने, 33 में आपका, 33 में क्या होगा ए, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। क्वेश्चन है हमारा 34 कौन सा विश्वविद्यालय ग्वालियर में मौजूद है? कौन सा विश्वविद्यालय ग्वालियर में मौजूद है? जीवाजी विश्वविद्यालय, 34 में आपका बी। क्वेश्चन है हमारा 35 मध्य प्रदेश के किस शहर में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय स्थित है?
मध्य प्रदेश के किस शहर में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये आपका इंदौर में है। 35 में क्या होगा आपका? बी। ठीक है। 36, द दिल्ली कॉलेज जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है वह किस शहर में है? क्या है, किस शहर में स्थित है? तो ये आपका इंदौर में है। 36 में आपका बी होगा। 36 में क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 37। क्या है क्वेश्चन? 37, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। जवाहरलाल नेहरू किस कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? आपका जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में है। 37 में आपका सी है। 37 में सी। क्वेश्चन है हमारा 38, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? ये आपका जबलपुर में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? जबलपुर में। क्वेश्चन हमारा 39, मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? ये आपका रीवा में। मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल आपका रीवा में एकमात्र। क्वेश्चन हमारा 40, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जैसा कि आपको पता होगा डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय आपका 1940 में बना, ये आपका सागर में। 41, मध्य प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सागर, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो ये था आपका 18वां टेस्ट। 19वें टेस्ट के बारे में हम लोग अगली क्लास में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है।